टर्की के बाद अब ताइवान को भयानक भूकंप ने तबाह कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया हैरान तो उस समय रह गई जब ताइवान भूकंप की वजह से तबाह हो रहा था और चाइना अपने फाइटर जेटों को लेकर चीन पर हमला करने की तैयारी कर रहा था और चाइना के लगभग 30 फाइटर प्लेन ताइवान के एयर स्पेस में घुसकर ताइवान के ऊपर मंडराने लगे। जिस समय ताइवान को पूरी दुनिया की मदद चाहिए, ठीक उसी समय चाइना इतना बेशरम हो गया कि चाइना के फाइटर प्लेनों ने ताइवान में घुसपैठ कर दी। तो अब सवाल ये उठता है कि चाइना भूकंप की वजह से कमजोर हो चुकी ताइवान की मिलिट्री पर हमले करने की तैयारी कर रहा है। अब आपको इसी वीडियो में ताइवान की वो तबाही दिखाएंगे जिसे देखकर आप लोगों को एक बार फिर से टर्की की याद आ जाएगी और बताएंगे आखिर ताइवान के अंदर भारत कितनी मदद भेजने वाला है और चाइना क्या सच में ताइवान पर हमले करने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल आप लोग ये आर्टिकल देखिए जिसमें साफ है कि 9 किल्ड एंड 963 इंजर्ड आफ्टर 7.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, यानी कि अब तक ताइवान के अंदर 9 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 963 इंजर्ड हो चुके हैं। आपको बता दें कि 25 सालों का यह सबसे शक्तिशाली अर्थक्वेक है जिसने ताइवान को हिट किया है और यह अर्थक्वेक इतना शक्तिशाली है कि इस अर्थक्वेक की वजह से एक भयानक सुनामी आने वाली है जिसकी वजह से ताइवान के सभी पड़ोसी मुल्कों में एक सुनामी की वार्निंग दी गई है। अब अर्थक्वेक की वजह से आने वाली ये सुनामी किस देश में टकराएगी तो इसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है और ये सुनामी कितनी भयानक होगी ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जिस समय ताइवान को मदद की जरूरत है, ठीक उस समय चाइना ताइवान की मदद की जगह अपने फाइटर प्लेनों को ताइवान में भेजकर ताइवान पर हमले करना चाहता है और ताइवान की इस हरकत से भारत को एक बड़ी सीख लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इन द फ्यूचर भारत पर भी कोई ऐसी मुसीबत आई तो चाइना उस मुसीबत का जम के फायदा उठाएगा। क्योंकि जब चाइना में भूकंप आया था तो भारत ने चाइना की मदद की थी, लेकिन चाइना ऐसा नहीं करेगा। चाइना बेशरम देश है क्योंकि चाइना के जो 30 लड़ाकू फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में घुसे थे उनमें से 24 फाइटर जेट तो ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में ही आ गए, क्योंकि चाइना के ये फाइटर जेट ताइवान द्वीप के चारों तरफ मंडरा रहे थे और ये पता लगाना चाहते थे कि ताइवान कितना वीक हो गया है। क्योंकि रिसेंटली कई रिपोर्टों में ये दावा किया गया है कि चाइना 2026 से 2027 के बीच में ताइवान पर हमला कर सकता है और चाइना पर ताइवान का हमला न करने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका है, क्योंकि अमेरिकी मिलिट्री ताइवान में पूरी तरीके से डिप्लॉयड है। ताइवान के आसपास अमेरिका के कई बड़े मिलिट्री बेस भी हैं, इसलिए ताइवान को अमेरिकी मिलिट्री का डर है और चाइना के फाइटर जेट यही देख रहे थे कि आखिर ताइवान में कितनी तबाही मची है, ताइवान कितना वीक हो गया है। लेकिन अभी तक ताइवान में आए भूकंप को लेकर भारत की तरफ से कोई मेजर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है, क्योंकि जब टर्की में भूकंप आया तो भारत ने 24 घंटे के अंदर ही दोस्त ऑपरेशन के जरिए अपने कार्गो शिपों को टर्की की धरती पर उतार दिया था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अब भारत के कार्गो शिप ताइवान की धरती पर भी उतरेंगे और ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट होगा जब भारत के कार्गो शिप इंडियन फ्लैग के साथ ताइवान की धरती पर उतरेंगे, क्योंकि आज तक भारत का कोई भी मिलिट्री प्लेन ताइवान की धरती पर नहीं उतरा है। अब देखना होगी भारत की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।